हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम ग्रेवैट एंड आज हम एक नया गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है प्लैनेट जू, जिसमें हम एक जू के ओनर रहेंगे। सो हमारा काम रहेगा एक सुंदर सा जू बना के उसमें ढेर सारे एनिमल्स अडॉप्ट करना, ढेर सारे गेस्ट को अट्रैक्ट करना एंड उनसे लाखों कमाकर वर्ल्ड फेमस बनना। एंड ये सब हम करेंगे इस बंजर जमीन पे जहाँ पे जू के नाम पे बस एक एंट्रेंस गेट है। बट नो वरीज, बिकॉज मेरे पास 40,000 रुपए है एंड इतनी बड़ी जमीन है तो इसको आराम से अपन एक सुंदर से जू में कन्वर्ट कर सकते हैं, शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। So, let's see, अपन इसको सुंदर से जू में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। सो सबसे पहले अपन रोड बनाने से शुरुआत करेंगे बिकॉज वेल हर एक जू में रोड तो होती है। सो लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड इसमें मैं आड़ी तिरछी रोड बनाने वाला हूँ बिकॉज वेल किसी भी जू में तुमने ये तो नहीं देखा ना कि बंदा स्केल लेके बैठा रहता है कि हाँ भाई यहाँ से एकदम सीधी रोड जानी चाहिए, वैसा नहीं होता ना। साफ जैसी यहाँ वहाँ रोड जाती रहती है जिसमें कभी कभी तुम भटक भी जाते हो कि हाँ भैया यहाँ से कहाँ जाना है। सो हम भी वैसे ही करेंगे। आई थिंक फिलहाल के इतनी रोड काफ़ी है। अभी कुछ कुछ फैसिलिटीज़ है जो मुझे सबसे पहले बनानी चाहिए बिकॉज वो जू की काइंड ऑफ अ बैकबोन है। तो आई थिंक वो फैसिलिटीज़ में, स्टाफ फैसिलिटी में आएंगी। तो देखो सबसे पहले कीपर सर, जहाँ पे कीपर्स एनिमल्स का सारा खाना वाना रखेंगे। फिर एनिमल ट्रेडिंग सेंटर जिसको लगाने के बाद ही हम एनिमल्स को अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर आएगा स्टाफ रूम जहाँ पे लोग आराम करने जाएंगे अपने। उसके बाद फिर वेटरनरी सर्जरी जहाँ पर बीमार एनिमल्स ठीक होने के लिए आएंगे। फिर वर्कशॉप जहाँ पे मैकेनिक अपना सारा सामान रखेगा एंड रिसर्च करेगा। फिर क्वारंटीन जहाँ पर जो नए एनिमल्स रहेंगे वो क्वारंटीन होने के लिए आएंगे। एंड सबसे आखिरी में रहेगा अपना रिसर्च सेंटर जहाँ पर वेट नई नई डिजीजेस का रिसर्च करेगा। लेकिन देयर इज अ कैच, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है अपन को गेस्ट से थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा बिकॉज इन बिल्डिंग्स का एक नेगेटिव इंपैक्ट है। सो अगर मैंने यहाँ से एक बिल्डिंग उठाई एंड उसको रैंडमली यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ जो हीट मैप है उसको ऑन अगर किया मैंने, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है किधर गया नेगेटिव इंपैक्ट वाला, ये रहा। ओके, तो ये देखो ये जो रेड सर्कल दिख रहा है ये नेगेटिव इंपैक्ट सर्कल है। एंड अगर ये किसी गेस्ट वाली रोड के आसपास भी रहा तो गेस्ट का अपने जू के लिए इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है कि रोड से इसको जितना दूर हो सके उतना बनाएं। सो अपन एक काम करेंगे, रोड से इसको थोड़ा इधर अंदर लेके जाते हैं एंड यहाँ सारी फैसिलिटी बनाएंगे। अभी ये वाली रोड का एक बेनिफिट ये है कि ये स्टाफ ओनली रोड है, सो गेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तो अपन आराम से यहाँ पे सारी बिल्डिंग लाइन से लगा सकते हैं। ओके, सारी बिल्डिंग्स बन के रेडी है। अभी नेक्स्ट मुझे हैबिटेट बनाना है ना, सो लेट्स सी अपन कौन कौन से एनिमल अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्डवॉग, बफेलो, हाथी भी है, नाइस। लेकिन उसके लिए कंजर्वेशन क्रेडिट्स, अरे राम, जो कि मेरे पास बहुत ही कम है, मतलब 86 ही बचे सिर्फ। तो अपन एक काम करेंगे, इस प्राइस को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लेते हैं, कैश ओनली, अपन सिर्फ कैश पे धंधा करेंगे, नो यूपीआई पेमेंट। सो ये होगा 1400। अभी सबसे महंगी कौन है? ग्रे सील है 4500, बापरे। एंड सबसे सस्ता इंडियन पी फाउल, 150 रुपए का है, बहुत ही सस्ता है यार, आराम से इसको अपन खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है इसका अपील बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 850 इज गुड बट नॉट सो ग्रेट। अभी मेरे को जो सबसे हाई अपील वाला है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, ग्रे सीलर राम। ठीक है, 1700 उतना भी महंगा नहीं है एंड इसकी अपील बहुत हाई है, तो ये बहुत सारे गेस्ट को अट्रैक्ट करेगा जिससे आराम से अपन ये पैसे रिकवर कर सकते हैं। सो इसको अडॉप्ट करने से पहले इसके बारे में अपन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड वो अपन ले सकते हैं ज़ूपीडिया के थ्रू। तो देखो कितनी क्यूट सी एकदम फोटो लगा के रखी है बंदे की एंड राइट साइड में उसके बारे में सारी की सारी डिटेल दी है। एंड उसके बाद ऊपर नेचुरल हैबिटेट में जाओगे तो यहाँ से तुम पता कर सकते हो कि वो कौन कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं एंड कौन कौन से बायोम में। एंड यहाँ पे जो मिनिमम हैबिटेट रिक्वायरमेंट है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 3 एडल्ट अडॉप्ट करते टाइम पे मुझे कितना बड़ा हैबिटेट चाहिए। तो ये देखो उनकी लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी 224 मीटर स्क्वायर की। फिर वाटर रिक्वायरमेंट 382 मीटर स्क्वायर की रहेगी, जिसमें जो डीप वाटर रहेगा वो उनको मिनिमम 212 मीटर स्क्वायर का चाहिए। सो ये सब सोच के मुझे एक हैबिटेट बनाना है। तो अभी मुझे एक आइडिया आया है कि क्यों ना एक अंडरग्राउंड पैसेज बनाया जाए जहाँ पे लोग जाके सील्स को अंडर वाटर तैरता हुआ देखेंगे। सो लेट्स डू दैट, लेट्स मेक अंडरग्राउंड व्यूइंग एरिया। गड्ढे खोदो, एक नंबर गड्ढे खोदो, बाय क्या सही टूल है यार, मजा आ रही है इसको यूज करने में। लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा ही गहरा गड्ढा कर दिया। ठीक है ना, अपन ये फ्लैटन यूज़ करके इसको सब कुछ बराबर कर देंगे। ओ नो, ये तो कुछ और ही हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले अपन व्यूइंग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, वरना पता चला इतने सारे गड्ढे हो गए कि व्यूइंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बन पाया। सो ये शेप लुक्स गुड, इससे ज़्यादा और कहीं वो एडिट करने दे नहीं रहा है। ओके, पीछे भी एक एडिट करने दे रहा है। सो लेट्स सिलेक्ट द ग्रिड एंड फिर ये वाले कॉर्नर से एक और प्लेटफॉर्म ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं एंड दिस इज इट, दिस इज आवर व्यूइंग प्लेटफॉर्म एंड वी आर बैक टू गड्ढे खोदना, लेट्स गो। अभी हैबिटेट को ऊपर से देखने के लिए मैंने एक ये ब्रिज बनाया है, लेकिन इसमें
आई थिंक कुछ तो मिसिंग है। अभी तुम बोलोगे एनिमल मिसिंग है, वो पता है मेरे को, ठीक है। एक फीमेल मैंने अडॉप्ट करके रखी है, लेकिन मुझे मेल नहीं मिल रहा था, इसके कारण प्रॉब्लम थी। ओ फाइनली मिल गया, ओके 3,500 का मिल रहा है। ओके इसकी प्राइस ज़्यादा इसलिए बिकॉज मेल बहुत ही रेयर है, क्योंकि मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ तो हर किसी को मेल चाहिए रहता है, सो वो सबसे पहले गायब होता है। सो ठीक है, दो हो गए। आई थिंक अब उनको तीसरा भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो ग्रुप है उसको मिनिमम 3 चाहिए। सो तीनों के तीनों अडॉप्ट हो गए, इनको अपन क्वारंटीन में डालते हैं, एंड उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उससे इनका हैबिटेट डेकोरेट करते हैं। अब ये वाली क्लिप को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि तुम एक आइडिया ले पाओ कि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सो इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एंड उन ब्लॉक्स को एक दूसरे से कंबाइन करके तुम बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बना सकते हो। इमेजिनेशन इज योर लिमिट, तुमको जो बनाना है जैसे बनाना है प्रॉबेबली सब कुछ इसमें बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक इंडियन स्टाइल का द्वार बनाने का ट्राई कर रहा था, जिसमें दो साइड में पिलर्स रहेंगे एंड ऊपर एक बढ़िया सा आर्च रहेगा। अभी जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तब एज सच मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं था कि मैं उसको कैसे बनाऊंगा। मुझे बस यहाँ स्ट्रक्चर दिखते गए, वहां से आइडियाज आते गए, मैंने उनको यहाँ पे लगा के ट्राई करता रहा कि कौन सा अच्छा दिखेगा कौन सा नहीं, एंड ऐसा कर करके आई एंडेड अप बिल्डिंग दिस, व्हिच आई थिंक लुक्स रियली गुड। एंड हाँ, साथ में ब्रिज पे मैंने रेलिंग लगाई, केव में लाइटिंग लगाई, सो डेकोरेशन के मामले में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट किया, लेकिन आई थिंक थोड़ा अभी मेरा जू कम बोरिंग दिख रहा है। लेट्स सी गेस्ट का क्या मानना है। अभी से 119 गेस्ट आ गए, 121, नाइस। एंड वीआईपी गेस्ट भी आ गया, वाओ इतनी जल्दी, डैम 200 लोगों के भाई अभी से सही चल रहा है अपना जू। लेकिन इतने अगर लोग आए हैं तो इनके खाने पीने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। सो फिलहाल अपन वेंडिंग मशीन लगा देंगे, ज्यादा उसमें पैसे वेस्ट ना करके। मैनी गेस्ट थिंक दैट टिकट आर अंडर प्राइस्ड, ठीक है बढ़ा देते प्राइस, हमको क्या है, पैसे वैसे भी तुम्हारे ही जाने वाले, सो ठीक है प्रॉफिट मेरा ही होने वाला है वैसे भी। प्राइस इज गुड, ठीक है सबको अपनी टिकट की प्राइस बढ़िया लग रही है, सो दैट्स गुड। अभी कस्टमर नीड क्या बोलती है, भूख एंड प्यास लगी सबको, हरे राम। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पे अलग से रोड निकाल के खाने पीने की दुकानें लगा लेते हैं, एंड अभी सिंपल सी दुकान लगा दे, ज्यादा फैंसी के चक्कर में नहीं जाते बिकॉज पैसे नहीं है मेरे पास। बाद में जब पैसे आएंगे तो ये सारी घटिया दिखने वाली दुकानों को ढक देंगे अपन। अभी गेस्ट तो अच्छे खासे आ गए, ऑलमोस्ट 300 हो गए, लेकिन मुझे मेन देखना है कि अंडरग्राउंड जो अपन ने पैसेज बनाया था उसमें कितने लोग हैं। ये काफी पब्लिक जमा है, नाइस। लेकिन भाई तुम नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं उतर रहे हो, हेलो कितनी मेहनत लगी हो बनाने में मेरे को, एंड कोई जा ही नहीं रहा, आप एक के दो के लोग जा रहे हैं, बट कोई ना, जहां तुम खड़े हो वहीं पे तुमसे डोनेशन मांगेंगे हम, बिकॉज वेल उस मामले में अपन बेशरम है। लो भाई फ्री का शो नहीं देखने का, चलो डोनेट करो सारे के सारे। ये लो तुम्हारे लिए टीवी भी ऑन कर देते हैं, तो ग्रेसील के बारे में देखो, स्पीकर भी ऑन कर देते तुम्हारे लिए ताकि ग्रेसील के बारे में सुनो, एंड फिर ग्रेसील के नाम पे डोनेट करो। ओके अभी ग्रेसील हो गया, नेक्स्ट एडॉप्शन में सबसे हाईएस्ट अपील पे कौन है, 9,000, बाप रे। बट अरे यार ये कंजर्वेशन क्रेडिट्स के ऊपर है, काश अपने पास इतने होते अपन एक वेस्टर्न अफ्रीकन क्या है लायन ले पाते, जो कि 9,000 एक बार में देता है, डैम काश इसको अपन ले पाते यार, दिन के अपन लाखों कमाते थे, बट टफ लक आई गेस। नेक्स्ट अपन क्या ले सकते हैं इसके बाद, ओ हिपो ले सकते हैं, ओके या फिर राइनो, ओके लेट्स अडॉप्ट राइनो, आई थिंक राइनो बेस्ट रहेगा, मैंड्रिल तो नहीं है, बंदर नहीं पालने वाले अपन अभी। अभी देखो राइनो की एक खास बात है कि उसका हैबिटेट अगर अपन ने शेयरिंग पे चढ़ा दिया ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो ये सारी लिस्ट है एनिमल्स की, इनको अगर मैंने राइनो के साथ सेम हैबिटेट में रखा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल नहीं रोएगा। लेकिन देयर इज अ कैच, बंदे को मिनिमम 4-5,000 स्क्वायर मीटर का हैबिटेट चाहिए, सो आई गेस इतनी बड़ी जगह का टैक्स पे करके अपन रोएंगे। बट ठीक है होपफुली ये लोग इतना डोनेट करेंगे कि अपने टैक्स के पैसे निकल जाएंगे, सो आई एम फाइन विद दैट। व्हाट एनिमल वेलफेयर हैज अट्रैक्टेड प्रोटेस्टर्स, भाई किसका वेलफेयर इतना डाउन है कि प्रोटेस्टर्स आ गए, हाँ भाई 16 कैसे तेरा, क्या हैबिटेट टेम्परेचर, मैन टेम्परेचर कंट्रोल करना भूल गया मैं इस हैबिटेट का, शिट मैन। ओके लेट्स गो टू हीट मैप, देखते हैं अपन कितनी कंडीशन खराब है, अरे बाप रे बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है इनकी तो 45 डिग्री पे टेम्परेचर गया, बाप रे इनको आई थिंक समवेयर अराउंड 24-25 टेम्परेचर लगता है, शिट मैन कहाँ पे लगाऊँ, मैक्सिमम एरिया कवर होगा, ये तो पानी है यहाँ नहीं लगा सकते, इधर लगाएंगे थोड़ा सा पानी के पास में इधर, ओके एक से होपफुली काम चल जाना चाहिए। अभी इसका टेम्परेचर 38 टेम्परेचर, मैन इसलिए तो इनकी हालत ख़राब थी। अभी इसका अगर जू पीडिया में देखें अपन, सो हैबिटेट या इनको 15-26 टेम्परेचर चाहिए, अपन उसको 38 पे बैठा के रह गया, अरे रा ठीक है थोड़ा सा कम कर देंगे अपन टेम्परेचर, होपफुली इससे इनका वेलफेयर अच्छा हो जाएगा, लेट्स होप सो। हाँ 21 डिग्री इज अ गुड नंबर, हुआ कि नहीं भैया तेरा वेलफेयर ठीक,
नाइस 88% ओके एंड ये ओके टॉय एनरिचमेंट ठीक है वो रिसर्च चल रही है थोड़ी देर बाद वो भी 100% हो जाएगा। ए भाई तुम तो बोर्ड वोर्ड लेके आ गए यार इतना भी कुछ सीरियस नहीं था आई मीन उसका मूड ठीक है अभी 88% पे आ गया है वो। डूड आर यू किडिंग मी 87 पे कैसे हो गया अभी। अच्छा टॉय एनरिचमेंट ठीक है वो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा उसका नया खिलौना। अभी ओवरऑल अगर अपन गेस्ट नीड्स देखे तो थर्स्ट का मीटर बढ़ रहा है बाकी सारे ग्रीन पे दैट्स गुड। अभी एजुकेशन का भाई आई हैव नो आइडिया क्या करूँ मैंने बोर्ड लगा दिया मैंने स्पीकर लगा दिए लेकिन बंदों को सीखना ही नहीं है क्या करूँ मैं भी तो भाड़ में जान दो उनको एंड अपन यहाँ पे पानीपुरी का ठेला लगाएंगे। अभी ऑब्वियसली इसमें पानीपुरी का ठेला नहीं है लेकिन अपन ऐसी नॉर्मल कोई भी काउंटर यूज करेंगे एंड उस पे ठेले का डेकोरेशन लगा के उसको पानीपुरी का ठेला बना लेंगे सो इजी राइट। अरे बाप रे पब्लिक तो देखो पानीपुरी के ठेले पे आज हर किसी को पानीपुरी खाना है भाई लो ऑन कैश भाई पता है मेरे को ठीक है बट कोई नहीं पानीपुरी का ठेला सब कुछ कमा के देगा अपन को आज। अयो इंस्पेक्टर को भी अभी आना था ठीक है कोई ना अपन इंस्पेक्टर को भी पानीपुरी खिलाएंगे आज दिखता कैसा है वैसे। ओए ये तो वो दीन क्रेडिबल्स की जो एडना है उसकी बड़ी बहन है भाई पूरी वैसी दिख रही है ये। तो भी लेट्स डू वन थिंग गेम को पॉज करके सबसे पहले देख लेते हैं अपनी ग्रे सील की क्या हालत है भैया का अगर वेलफेयर कम होगा तो वो देखो 84 पे आ गया भाई तक क्यों कम हो रहा है क्या ये लास्ट मील वॉज मॉडरेट क्वालिटी ओके फूड की क्वालिटी बढ़ानी है टॉय एनरिचमेंट ठीक है रिसर्च इसकी कंप्लीट हो गई है सो टॉय एनरिचमेंट ये क्या हैबिटेट में टॉय एनरिचमेंट तो इसको दे देंगे व्हाट भाई टॉय एनरिचमेंट कैसे नहीं आया नया रिसर्च तो कंप्लीट हो गई ना फूड अनलॉक भाई साहब लेवल 2 रिसर्च पे टॉय एनरिचमेंट था ही नहीं लेवल 3 पे है अरे राम लग गई वेलफेयर की तो लग गई फूड क्यों मॉडरेट है भैया अच्छा इसको खाना देना ही भूल गए अपन भाई तब से बेचारा बिना खाने का बैठा है अरे राम रुक जाओ खाने की ट्रे देता हूँ ए नहीं वेट 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 खाना दिया था मैंने ओए अंडर वाटर फीटर में खाना दिया था इतना भी मतलब बुरा के जू कीपर नहीं हो मैं ठीक है कि अपने जानवरों को खाना देना ही भूल जाओ अंडर वाटर एक खाने का सोर्स दिया था एक ऊपर भी खाने की ट्रे रख देते हैं सो दैट दो दो इसके लिए फूड सोर्स रहेंगे। वैसे नीचे वाले खाने के सोर्स का क्या हुआ क्या है कहाँ गया वो यहीं कहीं रखा था ना ये पड़ा है क्या है भैया 25 एनरिचमेंट देखो बढ़िया से नरिशमेंट भी मिल गया इसको प्रॉब्लम क्या है फिर अरे यार सिलेक्ट नहीं करना था हैबिटेट ये क्या आई सपोज द व्यू ऑफ द ग्रे सील फ्रॉम हियर इज फाइन व्हाट भाई इतना प्यारा मैंने ब्रिज बनाया इतना प्यारा अंडर वाटर बनाया फिर भी तुमको व्यू अच्छा नहीं मिल रहा है फिर भी व्यू के बारे में कंप्लेन कर रहे यार ये लोग एक काम कर दो तुम्हारे लिए यहाँ पे ब्रिज बना लेता हूँ एंड अगर अभी कोई व्यू को लेके रोया भाई सही बता रहा तुमको हैबिटेट में ही पटक दूंगा एंड भैया जी आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है यूर अडॉप्टेड बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो पानी में मजे लेने में बिजी है अबाउट टू हैव ऑफस्प्रिंग ओ मैन नाउ आई फील सैड मैंने अभी अभी उसको बताया कि वो अडॉप्टेड है अभी वो शिट मैन मैं कितना बुरा इंसान हूँ अरे रे 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 ओ क्या प्यारा दिख रहा है बंदा चुकु 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 भाई क्या सही दिख रही है भाई तू अडॉप्टेड नहीं है ठीक है तू बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनना ठीक है तू किसी की प्लीज बात मत सुनना तू लेकिन यार तू हुआ भी तो ब्रिज के नीचे हुआ यार काश ब्रिज के आजू बाजू होता भाई इतने सारे डोनेशन मिलते थे अपन को लेकिन स्वार्थी नहीं बनना है अपन को स्वार्थी नहीं बनना है इंडियन थीम अपना थर्ड लेवल का अनलॉक हो गया है उसके लिए अपन खुश रहेंगे यस एंड छोटा सा बच्चा हुआ है उसके लिए भी अपन खुश रहेंगे स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं होंगे लेकिन भाई यार ब्रिज के बाजू से हटना मेरे फाइनेंसेस देख ले एक बार तू 600-700 रुपये बचे मेरे पास प्लीज़ तेरे भरोसे मेरे को पूरे डोनेशन मिलेंगे प्लीज ब्रिज से बाजू में हट जा भाई एक नंबर ठीक है 5 मिनट में अच्छी खासी कमाई हो गई सो आई गेस अभी टाइम है एक और हैबिटेट बना के राइनोस को अडॉप्ट करने का एंड वी आर बैक टू 900 रुपये ठीक है कोई ना नेक्स्ट ऑक्शन में अपन एक और अडॉप्ट कर लेंगे फिलहाल इसके हैबिटेट बनाने पर फोकस करते हैं। भाई 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 इतनी सारी मशीन एक साथ कैसे टूट सकती है एंड ये क्या है ओके रिसर्च कंप्लीट हुई दैट्स गुड न्यूज बट मैकेनिक कहाँ टाइम पास कर रहा है ओके मशीन सुधार हाँ अच्छे से सुधार एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है तू वो वहाँ पे काम कर रहा है अपन थोड़ा यहाँ पे काम कर लेते हैं यहाँ वहाँ टीवी लगा के ताकि ये लोगों का थोड़ा ज्ञान बढ़े एंड ये मेरी एजुकेशन रेटिंग बढ़ाए जू की अरे बाप रे अभी इनको क्या हो गया ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट करने लग गए भैया अभी फिर से किसी एनिमल का वेलफेयर डाउन हो गया क्या अरे नहीं हर किसी का तो आप है अरे बेवकूफ लोगों फिर किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम तात्सु मताबा व्हाट द हेल इज तात्सु मताबा एंड मेरी रेटिंग क्यों कम हो गई व्हाट ओके भूख एंड प्यास लगी इनको तो भाई ऐसे बताओ ना यार तुम रेटिंग क्यों गिरा रहे हो मेरी
ठीक है, इनके लिए दुकानें बनाते हैं गाइस। तो सबसे पहले इंडियन थीम का एक दुकान का एम्प्टी शेल लेते हैं एंड उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके बाद एक में लगाते हैं ड्रिंक्स की दुकान, एक में लगाते हैं खाने की दुकान एंड उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा टॉयलेट लगा लेते हैं ताकि खाना पीना डैश डैश सब कुछ वो इसी गली में करे। एंड साथ में थोड़े ठेले भी लगा लेते हैं ताकि ठेले वालों का भी थोड़ा फायदा हो। फिर दूसरे साइड में सिंगल दुकान, थोड़े से ठेले, थोड़ी सी लाइटिंग एंड भुक्कड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ लिख देते हैं शेगांव की कचोरी एंड मुंबई की पानीपुरी एंड उनके मुंह में पानी लाने के लिए यहाँ लिख देते हैं पंजाब की लस्सी एंड हैदराबाद की दम बिरयानी। जगह ही नहीं बच रही, ठीक है सिंपल दम बिरयानी लिख देते। ये हुई ना बात अभी सब कुछ ग्रीन में, लेकिन लोग खुश क्यों नहीं है भैया? अभी भी अपन हीट मैप से चेक करेंगे कौन खुश है कौन नहीं। सो हंगर के मामले में ठीक है, कुछ कुछ येलो हैं, एटलीस्ट रेड तो कोई नहीं है। थर्स्ट के मामले में भी ठीक है, रेड नहीं है। टॉयलेट में ओके ठीक है, कुछ कुछ लाल है। एजुकेशन में तो भाई पूरे ही लाल है। भाई कोई एजुकेट नहीं हो रहा है मेरे जू में, क्या चल रहा है ये। हाँ लेकिन छोड़ो वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन रिसर्च पे डालते हैं अपने ड्रिंक्स शॉप ताकि अपन और दुकानें लगा सके नए नए प्रकार की एंड फिर अपन चलते एक एंट्रेंस का मास्टरपीस बनाने। सो प्लान के हिसाब से मैंने एक छोटा सा पहाड़ बनाया है एंड उसका एक साइड मैं ग्लास से कवर करने वाला हूँ सो दैट अंदर उसके पानी रख सकूँ एंड फिर सामने काइंड ऑफ वाटरफॉल का इफेक्ट देके अपन अपना जू का नाम लिखेंगे, क्रिएटर्स पैराडाइज। मतलब नहीं मैंने नाम कहाँ से सोचा, अरे यार ये भाई पानी एंड बैरियर से डील करना सबसे बड़ा हेडेक है यार। ये अभी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ये इनकी हाइट अभी एडजस्ट करते बैठनी पड़ेगी मेरे को। भैया मेरे प्लीज काम कर जा रहे, अभी तेरी जो इच्छा है पूरी कर दूंगा। भाई 45 मिनट से बैठा हूं मैं ये काम करते, पानी आ ही नहीं रहा, दिमाग खराब कर दिया तब से पानी ने। अरे राम अभी भी नहीं आ रहा भाई, क्या टाइम पास है नहीं है पानी, सही बता रहा हूँ। एटलीस्ट इस बार बैरियर नीचे हो जाए भैया। हो गया हो गया हो गया हो गया, ओ भाई हो गया, नाइस। ओ भाई साहब फाइनली इतनी देर बाद हुआ। अभी फटाफट से पत्थर से सारे बैरियर छुपा देंगे ताकि किसी को पता ना चले कि ये नेचुरल नहीं है एंड फिर वाटरफॉल का फील देने के लिए अपन ये मशीन यूज करेंगे। क्या सुंदर दिख रहा है मैन, एकदम नेचुरल, मतलब कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि उसको मैंने वहां पे खड़ा किया है। अभी जस्ट फॉर एस्थेटिक्स अपन बाजू में छोटी सी झाड़ी लगा देते हैं एंड यहाँ पे अपने पार्क का नाम रख देते हैं द क्रिएटर्स पैराडाइज, जिसकी स्पेलिंग डेफिनेटली मैंने गूगल नहीं की। थोड़ी देर यहीं पे टंगल मंगल करेंगे अपना साइन देखते। आहा क्या सुंदर दिख रहा है, वाव क्रिएटर्स पैराडाइज नाइस। कुछ रिवॉर्ड मिला है क्या? मिला, ओके नाइस, गेस्ट नंबर बढ़ गए अपने, दैट्स गुड। लेकिन भाई खुश क्यों नहीं रहते यार ये लोग, क्या फालतू लोग है यार। फिर क्या हो गया इनको, प्यास लगने लगी, अरे कितना पियोगे यार। ठीक है यहाँ इन दोनों के बीच में एक डबल दुकान वाली बिल्डिंग लगा देते हैं एंड दोनों में ड्रिंक डाल देंगे, जहाँ जाके पीना है पियो। एंड अपन अभी चलते एक नया हैबिटेट बनाने जिसमें मैं घड़ियाल अडॉप्ट करने की सोच रहा हूँ एंड एज यूजुअल खुद को टॉर्चर करने के लिए मैंने हैबिटेट के आजू बाजू गड्ढे खोदे जिसके कारण अभी गेट ही नहीं लग रहे। पता नहीं ये गेम की क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही तुमने टेरियर में चेंजेस किए उसके बाद वहाँ गेट प्लेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके स्मूदन करके लगाने का ट्राई करना पड़ता है, लेकिन वो कभी सक्सेस होता है कभी नहीं होता है, वो तुम्हारे लक के ऊपर है कितनी जल्दी गेट लगता है। लगा 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 एक एक एंगल पे, हाँ एक एंगल पे सेट हो रहा है गेट, ओके नाइस। अपन को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते यार इसको, छोड़ो जहाँ लग रहा है वहाँ लगा के एक बार का अपन बाकी चीज़ें बनाने लग जाते हैं। अब एक प्रॉब्लम है कि घड़ियाल तुम सिर्फ कंजर्वेशन क्रेडिट से ही ले सकते हो, लेकिन गुड थिंग इसके अपने पास 700 जमा हो गए, सो ठीक है थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं अपन। सो आई एम थिंकिंग सबसे यंग जो दो हैं मेल फीमेल उसको अपन लेंगे, सो एज से फिल्टर आउट करके जो सबसे ये तो 30 हो गया, ओके ठीक है 14 ईयर्स के हैं, तो 14 ईयर्स के फिर अपन दो घड़ियाल अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी इनको खुला छोड़ने से पहले सारी की सारी बाउंड्री वॉल में अपन बड़े बड़े पत्थर लगा लेते हैं ताकि यहाँ से निकल के ना भागे, बिकॉज गुड थिंग इज कि इनको 1 मीटर की हाइट की ही बाउंड्री चाहिए, सो वो तो अपन पत्थर से आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं, बिकॉज अगर ये बाहर भागे तो भाई मेरी जू की लग जाएगी, इतने जो पूरे कंजर्वेशन क्रेडिट जो खर्च किए पूरे पानी में जाएंगे।
ये अपने ज़ू में एक और एनिमल आ गया। नाइस। कीपर कांट रीच हैबिटेट पॉसिबली ड्यू टू योर वर्क जोन सेटअप। अच्छा ठीक है, वो वर्क जोन अपन बाद में एडिट कर लेंगे। फिलहाल इनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही कि नहीं? टेरेन रिक्वायरमेंट ठीक है, ये सारी पूरी हो रही है। एनवायरमेंट भी बराबर से पूरा हो रहा है। एनरिचमेंट के मामले में पीछे हो रहे अपन। फूड एंड टॉय एनरिचमेंट। यार तुम 14 साल के इतने बड़े हो गए, अभी भी तुमको टॉय से खेलना है, हद हो गई। ठीक है, इसके रिसर्च पे लगा रहे थे अपने वेट को, ताकि वो नए नए टॉय एनरिचमेंट वाले आइटम्स अनलॉक करे, एंड उसके बाद फिर अपन इनको दे देंगे खिलौने खेलने के लिए। ये क्या प्यारा दिख रहा है यार मेरा हैबिटेट, वाओ। ठीक है, प्ले कर दिया। अभी गेस्ट लोग इधर, अभी घड़ियाल के नाम पे पैसा दो मेरे को। अभी ये एक हैबिटेट बन गया। अभी नेक्स्ट हैबिटेट मे बी अपन ये वाली रोड से कनेक्टेड बना सकते हैं, लेकिन ना आई एम थिंकिंग कि हैबिटेट एनिमल ढेर सारे हो गए, अभी एग्जिबिट वाले एनिमल्स थोड़े से अडॉप्ट करते हैं अपन। एंड आई थिंक उनके लिए बेस्ट जगह रहेगी ये टनल के अंदर, बिकॉज फॉर सम रीजन सब ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। आई डोंट नो क्यों, इतनी मेहनत से मैंने इतना बढ़िया बनाया लेकिन कोई जाता ही नहीं अंदर देखने के लिए। सो ठीक है, मत जाओ सील को देखने, मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट एग्जिबिट के एनिमल्स को देखने के लिए यहाँ पे लोग आएंगे। तो यहाँ पे एक अपन पाथ बना के एग्जिबिट्स यहाँ पे चार पांच लगा देंगे, एंड उनको देखने के लिए अपनी बढ़िया से इतनी मेहनत से बनाई हुई टनल में लोग आएंगे। अब यार रोड क्यों नहीं बन रही है यार? अब एग्जिबिट में सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ लेमेंस पॉइजन फ्रॉग अडॉप्ट करने का, बिकॉज फॉर सम रीज़न उनके कलर मेरे को बहुत पसंद है। सो ठीक है, मेल फीमेल दोनों के दोनों हैं अपने पास, सो लेट्स अडॉप्ट। एंड इनको यहाँ से डाल सकते हैं क्या? ओ नाइस, यहाँ से भी डाल सकते हैं। अंधेरे में दिख तो सही रहा ये, लेकिन क्या भाई मूड क्या है तुम्हारा बोलता है? एग्जिबिट भाई क्या हो गया? अच्छा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है वो हो जाएगा। लेआउट तो रिसर्च करना पड़ेगा। क्लाइमेट इसका ह्यूमिडिटी 80-90% चाहिए, डैम। तो इसको अपन 85 कर देंगे एंड टेम्परेचर 26-31। ओ डैम, ठीक है इसको 28 एज अ मिड रेंज पे ला देंगे, तो वो सब पूछे जाएंगे उससे। एंड बाकी के वेलफेयर में इनके क्या लेआउट ना, लेआउट तो यार थोड़ी देर भैया तुमको रुकना पड़ेगा, जब तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट होगी उसके बाद ही तुम्हारा लेआउट सेट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है इसको सेकेंड वाली वेट को अपन पॉइजन फ्रॉग की रिसर्च में डाल देते हैं। अभी कस्टमर रेटिंग क्या बोलती है? एनिमल रेटिंग ओके, गेस्ट एजुकेशन तो भाई गया है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वाला ऑप्शन कहाँ से आता है भैया? ओके, मार्केटिंग पोस्टर कैंपेन सीरियल बॉक्स एडवर्ट्स न्यूज़पेपर एडवर्ट्स ओके, ठीक है सारी की सारी मार्केटिंग ऑन कर देंगे। बहुत पैसा अपने पास वैसे भी। क्या भाई क्या बोलते हैं? मार्केटिंग 4 स्टार, नाइस। गेस्ट एजुकेशन भाई इनका एजुकेशन कैसे बढ़ाऊँ यार, ये समझ भी नहीं आ रहा मुझे। मे बी अगर मैंने थोड़े एजुकेटर्स हायर किए तो अभी बेचारी एक ही है जो कि सारा कुछ संभाल रही है। तो अपने काम करते हैं, हर एक हैबिटेट का एक नया एजुकेटर रखते हैं एंड फिर देखते हैं इनकी कुछ रेटिंग बढ़ती है कि नहीं। भाई साहब क्या पैदल लोग हैं यार, एजुकेटर रखने के बाद भी सीखना नहीं इनको यार, पूरी मेरी ज़ू की रेटिंग डाउन कर रहे हैं यार ये एजुकेशन के कारण। यहाँ पे क्या हो गया अभी? ऑफस्प्रिंग, ओए कितने सारे लेकिन इतने सारे क्यों है भैया? वो खुद उनसे दूर भाग रही, बोले इतने सारे कैसे हो गए? अच्छा खाने के लिए भाग रही है, ओके। अब एक काम करते हैं, इनका एजुकेशन बढ़ाने के लिए ये कंजर्वेशन एंड एजुकेशन बोर्ड लगाते हैं, इसमें अपन टॉपिक चलाएंगे लैंड शेयरिंग वर्सेस लैंड स्पेयरिंग, एंड इधर रिकॉर्ड डुप्लीकेट ऐड करके इधर चलाएंगे पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन। मे भी इतना सारा पढ़ने के बाद इनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए भैया, कुछ आया क्या है? ढच्चे के ढच्चे ही है। मे भी थोड़ा टाइम लगेगा उनकी रेटिंग बढ़ने में, सो थोड़ा वेट करते हैं। तब तक के लिए और इसमें क्या लगा सकते हैं? एजुकेशन बोर्ड, ये तो हैबिटेट में लगा हुआ है। एजुकेशन स्टेशन हाइट जिराफ, ओ ठीक है वो सब बाद में लगाएंगे, पहले ये क्या है? नो आइडिया क्या है, एंड कहाँ लगाना है वो भी कुछ आइडिया नहीं है। ओ ये मेच्योर हो गई, हाउ इज दिस अ मेच्योर, बच्चा ही दिख रहा है वो मेरे को तो। ए भाई 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 इधर अलार्म क्यों बज रहा है? हाँ कौन सी इमरजेंसी आ गई इधर? हेलो, अबे घड़ियाल भाग रहे मेरे, व्हाट भाई? आई थॉट कि इतने हाइट से काम चल जाएगा, लेकिन ये तो ओलंपिक हाई जंपर निकले यार। अरे राम, ये पत्थर को थोड़ी और हाइट बढ़ानी पड़ेगी इनकी। अभी तो छोटे घड़ियाल भागे थे गलती से, ये तो ये दोनों के दोनों लाइन से जा रहे हैं वहाँ पे भागने के लिए। चल पीछे जाओ, कोई नहीं भागेगा यहाँ से। चलो पत्थर लगाऊंगा मैं बड़े बड़े, हाँ एक पलट गया बंदा। समझदार लोग है। अभी अपने ग्रीसी लेनोस की सारी की सारी अपन ने रिसर्च कर दी है, लेकिन फिर भी ये जो नीचे की लाइन है ना ये खटक रही है मेरे को। आई थिंक इसको भी अपन रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा लग तो रहा है। आई मीन वेट ने ऑटोमेटिकली उसकी रिसर्च बंद कर दी थी, लेकिन कर सकते हैं। व्हाट, एडवांस रिसर्च बोनस भी मिल गया अपन को, वाह ओके। अभी जू में ऐसे नया कुछ करने का
आइडिया कुछ आ तो नहीं रहा है, सो अपने काम करते हैं। ये वीडियो एंड करने से पहले थोड़े से ना पेड़ लगा लेते हैं, बिकॉज मेरा जू बहुत ही मतलब ऐसा बंजर जमीन दिख रहा है एकदम। सो थोड़े यहाँ वहाँ रैंडम पेड़ लगा लेते हैं, सो थोड़ा सा तो हरा भरा दिखेगा एटलीस्ट। एंड रात में ना मेरा जू बेचारा बहुत ही अंधेरे में दिखता है। सो लेट्स डू वन थिंग, ये जो लाइट है ना पेड़ की, ये जितने भी मैंने पेड़ अभी तक उगाए हैं सब में लगा रहते हैं। बट यार ये वाले पेड़ में अलग ही लेवल की डिटेलिंग की है यार लैंटर्न के साथ। मतलब वो नेचुरल एक फ्रूट है जो कि उस पेड़ में लटका है, एंड उसमें वो लैंटर्न लगाए ताकि ऐसा मतलब इफेक्ट पड़े कि रस्सी से बांधे हुए सारे लैंटर्न। डैम, बट अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन रैंडमली पेड़ में कहीं पे भी लगा देंगे। एक ही नारियलों के साथ भी लगा रहता हूँ ताकि नारियल के साथ साथ लाइट भी किसी के सिर पे आके गिरेगी। अरे यार ये घड़ियालों की अलग ही प्रॉब्लम है यार, ये जगह ढूंढ ढूंढ के भाग रहे यार इधर उधर से। अभी वहाँ से मैंने पैक किया तो यहाँ कहीं से पत्थर के बीच में गैप निकाल के भागे, हद हो गई। ये चिंटी पटांडी है, लास्ट टाइम भी आई थिंक यही भागा था, दिमाग खराब कर दे। अभी यहाँ से कहीं तो भी भागा, ये इसको ऊपर करना पड़ेगा अभी, हद हो गई यार। इसके कारण एक अलग ही टेंशन है। ये ले यहाँ के पत्थरों को ऊपर कर दिया, अब भाग के दिखाएं यहाँ से। यार ये लोग बढ़िया है, अपने हैबिटेट में रहते हैं, मस्त मजे करते हैं। ओए भाई नजरों के सामने बड़ा हो गया ये, एंड आई थिंक मेल निकला है, अब मेल है ये, दो दो मेल हो गए हैबिटेट में। ओए भाई क्या सही खेल रहा हूँ स्पिनिंग से। बापा बापा एकदम लोटा लोटी करके खेल रहा है भाई ये तो। क्या सही दिख रहा है, कर लो भैया मजे, बढ़िया है। ग्रे सील भी अबाउट टू मेच्योर है, सही है। एक अभी फीमेल है एंड ये अल्फा मेल है एंड ये दूसरा मेल है, तो आई थिंक इसको अपन रिलीज कर सकते हैं वाइल्ड में ताकि अपन को थोड़े से कंजर्वेशन क्रेडिट मिल जाएंगे। 279, दैट्स फाइन, चलता है तेरी मिले तो। बाय बाय, यस, ओह नाइस, रिवॉर्ड भी मिल गया। अभी आई थिंक ये वाला एपिसोड अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई मीन जू तो अच्छा खासा बना लिया है अपन ने, साथ में रेटिंग भी अच्छी मिल गई है। गेस्ट एजुकेशन रेटिंग को छोड़ दो यार, पता नहीं उसको कैसे बढ़ाना है, बट ओवरऑल रेटिंग इज़ गुड एंड 1.5 लाख रुपये भी कमा लिए, विच इज़ वाओ नाइस। सो फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय।